इलेक्ट्रिकल वीडियो में आपका स्वागत है मेरे यार। ये है ट्रांसफार्मर आयल, पेट्रोलियम नामक एक चीड़ का तेल या नेप्था आयल। सीधा सीधा समझिए, नेप्था आयल या चीड़ का तेल, यही पड़ता है ट्रांसफार्मर के अंदर। इसके पढ़ने का मतलब एक ही है, ट्रांसफार्मर में कूलिंग बरकरार रहे और एडी करंट लॉस कम हो, जो गन्ने की आवाज़ होती है वो कम हो। इसके डालने का यही मतलब है मेन, कि गन्ने की आवाज़ कम आए, एडी करंट लॉस कम हो और ये ट्रांसफार्मर को कूलिंग रखे, इसलिए आयल इसमें पड़ते हैं। और यही मेन मकसद होता है ट्रांसफार्मर में आयल डालने का। और ये है हाई वोल्टेज, मतलब 33 केवी का ये ट्रांसफार्मर है, इसमें हाई वोल्टेज, जिसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, इसमें हाई वोल्टेज दिया जाएगा और सेकेंडरी वाइंडिंग से लोगों को घरों तक वोल्टेज पहुँचेगा, जो 440 वोल्ट होगा। और लोगों के ट्रांसफार्मर से जरिए 440 वोल्ट जाएगा, लोगों के घरों तक पहुंचेगा 220 वोल्ट। ये है सेकेंडरी बाइंडिंग। धन्यवाद।